92.7 बिग एफएम पर ब्रिटिश ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स, नेशनल हाईवे से हमारे देश को हिस्टोरिकल बनाया है, हमारा अंग्रेजी भाषा से तारुफ करवाया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल से हमारी पहचान करवाई, क्रिकेट। तो आज जो मेरे खास मेहमान हैं, उनका नाता क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, सुरेश रायना, जिनके जिंदगी में दो ही प्यार है, एक है क्रिकेट और दूसरी उनकी अर्धांगिनी। तो मैंने सोचा क्यों ना वैलेंटाइंस डे पर उनसे उनकी प्यार के बारे में कुछ खास बातें की जाए और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। वेलकम सुरेश ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। थैंक यू। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, मतलब आई हैव हर्ड एक्चुअली माय हस्बैंड व्हेन आई टोल्ड हिम कि मैं सुरेश रैना से मिलने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुरेश गाते भी है। आप लोग साथ में थे और स्टेज जी, में जी दिल्ली में फंक्शन हुआ था, सारा अवार्ड हुआ था उधर, सारा शीशर थे तो काफ़ी अच्छा उधर माहौल था, काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, तो सोनू सर जब उधर थे तो उन्होंने एकदम समा बांध दिया था उधर। बट बहुत तारीफ की थी उन्होंने, उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाते भी है। चलिए जब हम गानों की बात कर रहे हैं तो एक कुछ मज़ेदार कुछ करते हैं, तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ, ठीक है, और आप उन सिचुएशंस पे मुझे एक एक लाइन सुनाइए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अच्छा, अब आपने सिक्सर मार दी, अब क्या गाएंगे? वो गाना था ना बीच में, वो तुम बड़े चलो कोई हमसे ना लगान का गाना, वो गाना आएगा उस टाइम। अच्छा। आप अपनी मम्मी के बारे में हमेशा बात करते हैं, तो मम्मा के लिए क्या गाएंगे? तो उनका गाना है ना अनिल कपूर साहब का, वो फरीदा जलाल की मूवी आई थी, उंगली तेरी पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला। ओह नाइस। बारिश, वो टिप टिप परसा पानी वाला गाना है ना, वो अच्छा लगता है वो। तो अब आपने ऐसा वाला गाना सोचा है तो मैं बोलूंगी प्रियंका, प्रियंका के लिए गाना है अभी। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे। सब हम इतना प्रियंका 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 हमने हाइप कर दिया, अब प्रियंका कौन है ये बताइए। प्रियंका मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और रिसेंटली हम लोगों ने शादी की है और शी इज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, शी इज सो लवली, आई रियली लव हर। And आपको पता है आप ये जो सारी बातें बोल रहे हैं ये पूरे नेशनली चलेगा और ये हमारा जो शो है ये यूट्यूब पे भी आता है, तो आपके जितने फैंस हैं चारों ओर उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? ओह आई डोंट लाइक प्रियंका, हु इज प्रियंका? कितने हेट मैसेजेस आते होंगे ना। प्रियंका हमारे साथ बैठी हुई है, मैं प्रियंका से ही पूछना चाहूँगी, आप कभी मतलब ये सब आपने अभी तो फेस करना शुरू किया होगा, हेट मेल्स, फैन मेल्स, and a lot of people will even give you a lot of love. That is true. I think I'm kind of lucky ki abhi tak aisa nahi hua hai. I'm also very try to be very disconnected from this. Yeah, all I got is love. That's very good. So I'm really really lucky. That's very very good. But abhi it's a public world now. Aap ek public figure hai Suresh. Aap no more Suresh Raina, aapke मुरादनगर वाले सुरेश रैना नहीं थे, आप इंटरनेशनली पहचाने जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है आपके साथ काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ जाते हैं, लिंक होते हैं किसी के ना किसी के साथ, आप जाने या ना पहचाने उनके साथ आपको जोड़ दिया जाएगा, तो इनिशियली आप कैसे प्रियंका के साथ इस चीज़ को हैंडल करते थे? नहीं, हैंडल करना मतलब ऐसा नहीं था कि शी ऑलवेज ट्रस्टेड मी, और ऐसा नहीं किया कि मैंने कुछ उसको झूठ बोला हो या ऐसा कुछ किया हो, कमिटमेंट था हमेशा से। बट जो हम लोग बीच में काफ़ी मुलाकात नहीं हुई थी, एंड शी वॉज वॉकिंग देयर इन हॉलैंड, और जो फैमिली की वैल्यूज थी उसको भी पता था और मेरा पता था क्रिकेटर, इसने मुझे पूछा तुम करते क्या हो, मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसको क्रिकेट फॉलो नहीं करती है, शी इज़ अ मैसिव फुटबॉलर फैन, और वहाँ पर बीच में हम लोग मैचेस भी देखे,
बार्सिलोना गए, उधर हॉलैंड का मैच देखा, तो मेरे लिए इजी था फिर समझाना अच्छा कि मैचेस ऐसे होते हैं। तो उसने कभी पूछा, जीते वेल डन, अगर हार गए तो नो वरीज, बट देखो जब आप बड़ी चीज़ें मिलती हैं तो एक नेगेटिव भी रहता है एक पॉजिटिव भी रहता है, आईपीएल हो चाहे आप ग्लैमर में जाते हो, लेकिन आपकी फोकस वो चीज़ें आपकी वही आपकी ऊपर है, वो आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो। अक्सर कामयाब लोग अपनी सफलता के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, पर सुरेश चाहते हैं कि उनकी बीवी उनसे भी ज्यादा कामयाब हो। और मैंने एक चीज पढ़ा आपके बारे में जो आप मैं बताना चाहूंगी सबको, कि आपने बड़ा एक अच्छा चीज कहा कि मुझे पता है मैं 10-15 साल अभी क्रिकेट खेलूंगा जी जी। उसके बाद मैं आराम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रियंका काम करती रहे। हाँ। क्योंकि मैं कामयाब हूँ तो आई कैन सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ इतना बड़ा रुतबा जुड़ा हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रियंका रायना, दैट इज योर आइडेंटिटी। बट आई ट्रूली अप्रिशिएट कि जिस तरह से आपने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि उसकी आइडेंटिटी वो मेंटेन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने जो बात बोली, फिर इतना 8 साल इसने मेहनत किया है वहाँ पर, तो एक शादी के बाद चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। और भी इसके काफ़ी सारे प्लान है, जब फर्स्ट टाइम हम मिले तो उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ गाँव में लड़कियों के लिए टॉयलेट अरेंज करना है, मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात है, तो मुझे लगा वाओ। तो बीच में हम मिले, शादी के बाद मैंने प्लान भी किया कि इसने मुझे बोला कि मुझे ये करना है, मैंने कहा इट्स एवरीथिंग फॉर यू, व्हाट एवर यू वांट डू आप करो, एज लॉन्ग एज आपका डेडिकेशन कमिटमेंट अच्छा है, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो आपको जो दिल चाह रहा है आप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ऐसे आपके जैसे और भी लोग आए तो और अच्छा हो। प्रियंका से मैं पूछना चाहूंगी, प्रियंका आपने इतने साल बाहर बिताया, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हाउ वाज इट एट दैट टाइम? The thing is, we were not really into a relationship. Okay. हम लोग friends थे, साथ में बातें हो जाती थी, क्या कर रहे हैं, we keep each other informed about it. So it was easy. He was busy अपने काम में, I was busy with my own things. Really focused. तो कब लगा आपको कि no, I think it's time that हम दोनों सोचे कि we can be life partners? It really happened in a blink, I think. सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ plan करें, घर से बातें हुई पेरेंट्स की एंड देन वी वर लाइक ओके समथिंग। आप लोग की इंटरकास्ट मैरिज है वैसे, राइट? जी जी, मैं हूँ कश्मीरी ब्राह्मण और प्रियंका है जाट, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज दो जिस्म खुश रहें, दो रूह अच्छे से रहें। हाउ फिल्मी, सी देयर इज अ फिल्मी कीड़ा इनसाइड यू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा जाता है कि हर क्रिकेटर एक्टिंग का भी शौक रखता है। सुरेश रैना से जानेंगे क्या गाने के बाद उन्हें एक्टिंग का भी शौक है। प्रियंका, कभी सपोज अभी नाउ इन्होंने सडनली बोला कि अब मुझे एक्टिंग करना है, जो कभी ना कभी आ भी सकता है, तब क्या करोगी? I feel career is a very personal choice, and it's your career what really drives you. You have to feel good about it. Agar unko lagega down the line, this is what I want to do. I'm not sure if he feels, but if he does, he should. Nee, Suresh. Nee, unhone bole, I'm not sure if he feels. Matlab kahin pe ek ghanti baji hui hai. But one should do what they like. That's really important. जो किस्मत में आएगा, जो मिलेगा, अभी क्रिकेट खेलना है, कोई वैसा नहीं। सिंगिंग जो आपने बोला एक हमेशा से था वो, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड के लिए कभी सोचा नहीं था कि गाएंगे, और दोस्त ने बोला कि चलो एक लाइन गाएंगे या दो लाइन गानी है, वैसे करके बीच में वो होने लगता है, फिर चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे आपने बोला कि पर्सनल चॉइसेस हो जाती हैं, सारी चीज़ें करनी है, बट कोई अगर मेहनत कर रहा है, अगर थोड़ा सा अगर सपोर्ट किसी को मिलेगा तो उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी वो, तो इसमें कोई वो नहीं है वो। अगर जैसे सिंगिंग एक्टिंग के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा है, अभी क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है। फिर सडनली वन डे सुरेश राय द न्यू एक्टर ऑन द ब्लॉक, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि आई वांट टू हैव गुड टाइम विद माय वाइफ एंड किड्स, जब भी प्लानिंग। मतलब जो एक्टिंग करते उनका वक्त अच्छा नहीं बीतते? नहीं बीता है, बट क्रिकेट के साथ अभी एजुकेशन लाइन में भी जाना है, एकेडमी सोसाइटी ने जो दिया है, हैव टू गिव इट बैक कि पूरे बच्चों nice. को अच्छे से मिलेगा वो, तो प्रियंका और मैं प्लान करेंगे, अभी तो कल के लिए जीना है, परसों नरसों कुछ सोचना नहीं है। अभी तो आप बहुत छोटे भी हो, तो बहुत टाइम है आपके जी, पास बिल्कुल, सोचने बिल्कुल. के लिए और प्लानिंग करने के लिए। No, but he lives for cricket. That's not gonna happen, I'm sure. Really? चलो ये एक हो गया अभी, हाँ अब नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली पहुंच गया मैसेज आपके पास। No, that's my experience when it comes about his game, nothing else is important. No, that's good, that's good. A lot of dedication.
सो टेल मी, आप एक्चुअली फौजी बैकग्राउंड से है, आपके फादर फौज से है, तो बचपन तो सारा आपका उसी माहौल में बीता होगा, कैसा रहा आपका बचपन? नहीं, अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। और पांच भाई एक बहन, सबसे छोटा था घर में मैं। मुरादनगर में रहते थे हम लोग, पापा मेरे आर्मी में थे कश्मीर में और मम्मा हिमाचल से हैं। तो उसके बाद जो सफ़र था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी स्ट्रगल रहा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली उस सफ़र में। आपको कैसे इंडिपेंडेंट रहना है और को कैसे स्ट्रांग रहना है छोटे छोटे लम्हों में, तो वो सब चीज़ें सीखते 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 तो ऐसा लगा कि अभी टाइम आ गया है कुछ करने का। जैसे आपने कहा, आप पांचों भाइयों बहन में, मतलब आपके तीन बड़े भाई, एक बड़ी बहन और फिर आप, चार बड़े भाई उससे सबसे छोटा, चार बड़े भाई। हाँ, तो मतलब आप तो बिल्कुल बहुत ज्यादा पैम्पर्ड और बहुत ज्यादा प्यार और स्पॉइल्ड रहे होंगे पूरे। और वैसे ही मैंने सुना आप बहुत शरारती है, तो बचपन में तो और ज्यादा होंगे। नहीं था शरारती, लेकिन जब बोर्डिंग स्कूल में गया तो बोर्डिंग स्कूल की बात भी नहीं कर रही हूँ मैं, पहले की बात कर रही हूँ। नहीं था, लेकिन हमेशा जो भी चीज, मतलब भैया लोग हमेशा बात करते थे कि कैसा चीजें हो रहा है लाइफ में। 13-14 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल में जाना, जब आप वो एज होता है वो 17-18-19, पैम्पर ज्यादा होता है, तो वहाँ पर रैगिंग बहुत होता था हॉस्टल में। तो हमेशा मैं बीच में छोड़ के भी आ गया था। अच्छा। रैगिंग में काफी सारी चीजें ऐसे होती थी कि नहीं आपको कपड़े वॉश करने हैं, फिर ऐसे लगा कि नहीं अभी हो गया है, अभी नहीं खेलना है, सब इतना मारते हैं, सारी चीजें लगे हैं वो। तो फिर हमने कहा खेलने आए हम, पढ़ाई करने आए, ये सब चीजें नहीं करेंगे। और मैं थोड़ा उस टाइम पूरा जाट फैमिली के साथ रहता था और थोड़ा मुफट था, तो मैंने उनको बोला ये सही नहीं, हम नहीं करेंगे। तो कभी पिटाई होती थी, कभी पनिशमेंट मिलता था, तो लेकिन उसका आप अलग था। कंप्लेन करते थे कभी? नहीं, मैंने 6 महीने देखा, तो 7वें-8वें महीने में मॉम डैड से मिला, तो मैंने बताया नहीं कि मैं आ गया हूँ। तो 1.5-2 महीना तो मम्मा ने पूछा भी, दिवाली भी खत्म हो गई है, तू वापस नहीं जा रहा है? तो फिर मैंने भैया को बोला कि ऐसे ऐसे है, अब मुझे वापस नहीं जाना है क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें, तो वो मम्मा को नहीं बताया भैया ने। तो मैं वॉक पे जा रहा था, दिनेश भैया ने बात किया कि आपके पापा कोई टाटाज या बिरलास नहीं है, मानीज नहीं है, तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये टफ टाइम है। बट वो टफ टाइम जो भैया ने बोला वो अलग तरीके से समझाया मुझे। तो फिर सुबह ही सर से बात की, फिर मेरे एसपी क्रिश्चियन कोच साहब थे वो आए, फिर प्रियंका के पापा से मेरी मम्मा मिली, उस टाइम मेरे टीचर थे स्पोर्ट्स टीचर, की बच्चा ऐसे आया है। तो प्रियंका के पापा ने भी काफ़ी बात किया कि नहीं, आप जज्बा है आपके अंदर, आप जोश है, और एक ऐसी फैमिली से आप हो जो कल्चर हमारा मुरादनगर में काफ़ी आर्मी का बैकग्राउंड है उधर, तो उधर खेलने के बाद फिर सर ने भी बात किया, फिर मम्मी, तो मैंने कहा ठीक है अभी जाके देखते हैं। बचपन से ही हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूं। सुरेश का भी कुछ ऐसा ही सपना था, ऐसा नहीं था कि आपके दिमाग में ये फिक्स था कि मुझे क्रिकेटर बनना है? नहीं, वो कभी नहीं सोचा था मैंने, एकदम से चीजें आती रही, उसको एक्सेप्ट करते रहे, जो अच्छी चीज थी उधर अपना। पर जब आप ट्रेनिंग के लिए गए, तब कभी लगा कि मतलब एक्चुअली ये तो जितना लग रहा है खूबसूरत है नहीं, क्योंकि क्रिकेट इज आल्सो एज ग्लैमरस एज द फिल्म वर्ल्ड। जी जी जी। तो लगता होगा कि हाँ ऐसे जाएंगे अच्छे अच्छे सब पहन के, पर वहाँ जाओ तो पता चले एकदम रिजीम से जीना होता है। नहीं बिल्कुल, वैसे डिसिप्लिन ग्लैमरस की तो उस टाइम स्पेलिंग भी नहीं पता थी मैम। जब छोटे गांव से कोई बच्चा आता है, प्रैक्टिस करता है, क्रिकेट खेलता है, उसको सिर्फ खेलना है, जुनून था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं सचिन के साथ बैठूंगा, कभी ये भी नहीं सोचा कि मुझे कंट्री का लोगो मिलेगा। तो जब चीज़ें आती है तो उसको एक्सेप्ट करते रहे, लेकिन चीज़ें हमेशा मिली उसी टाइम पर जब हार्ड वर्क करके। वो कभी भी शॉर्टकट नहीं सीखा, सीनियर अच्छे थे स्पोर्ट्स कॉलेज में, वहाँ पर बातें भी होती थी, लेकिन यूपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वैसा नहीं था वो, जहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों। तो एक साल के बाद फिर मैंने बॉम्बे में 3 साल क्रिकेट खेला, एयर इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मुझे 15,000 per month मिलता था उस टाइम, तो फैमिली के लिए भी हेल्प था वो। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ समझी कि नहीं, अगर इसके साथ पैसा मिलता है, क्रिकेट मेरा चल रहा है, तो मैं 200 या 1,000 रुपये रखता था, जो चीज़ फ़ोन करना है घर पर या चीज़ें कुछ होती थी, एयर इंडिया ने अच्छे से लुक आफ्टर किया। वहाँ मैं सचिन को फर्स्ट टाइम मिला, 99 में मैं टाइम शील्ड ट्रॉफी खेलने आया था इधर, उस टाइम मैं था 15 साल का। तो जब मैंने टाइम शील्ड ट्रॉफी का मुझे बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला, तो सचिन ने मुझे हाथ मिलाया कि वेल प्लेड, ही प्लेड सो वेल। तो उस टाइम एक और पुश मिल गया कि नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तब थोड़ा सा और एक बढ़ावा मिलता है ना, कि कोई इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा क्रिकेटर जिसको आप बचपन से देख रहे हैं, आइडलाइज कर रहे हैं, वो आपको आके कहते हैं कि हाँ आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल वैसे जैसे आपने बोला वैसे ही मुझे लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जब सचिन खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि आप बहुत अच्छा खेले, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के। उनका कोई टूर था, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी इंडियन टीम। तो जब मैं रात भर सोचता रहा कि उस टाइम फ़ोन का नहीं पता, कोई कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने जब बोला तो वो मेरे 2-3 साल जहन में रहा कि किसी ने मुझे शेक हैंड किया है, वेल प्लेड बोला है, तो 3 साल मेरा मोटिवेशन था, वो मुझे ही दोबारा उनसे अवार्ड
लेना है, उनके साथ खेलना है। CCI में मैचेस होते थे, MIG में मैचेस होते थे, वो जो रेस कोर्स है उधर हमारे ग्राउंड थे इंडिया का, वहाँ प्रैक्टिस कर। सचिन हमेशा बीच में पूछते रहते थे प्रवीण आमरे सर को कि वो लड़का जिसको अवार्ड मिला था वो क्या कर रहा है। तो आमरे सर मुझे जब कोई डिफिकल्ट मैचेस आता उस टाइम बताते सचिन पूछ रहा था, तो एकदम से लगता था कि नहीं अभी बनाना पड़ेगा। तो ट्रिगर होती रही मैम वो चीजें सारी की सारी कि नहीं अभी मोटिवेशन लाइफ में मिलता रहेगा वो। तो सचिन ने बहुत उस टाइम किया, लेकिन मैं एक चीज उस टाइम में जो फील किया और अभी जो लगता है, आप मेहनत करते रहो, सारी चीजें करते रहो, वो चीज आपको 2 महीने 2 हफ्ते 2 साल वो मिलनी ही है आपको अगर आप अच्छी लगन से मेहनत करो। तो मैं आपसे पूछ रही थी, जब पहली बार आप फील्ड पे उतरे और आपके साथ सारे आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको आपने हमेशा TV पे खेलते हुए देखा है, आपने सपने में कभी सोचा होगा काश मैं इनके साथ खेलूं, वो आपके साथ थे, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट यू हैड इन योर माइंड? नहीं, श्रीलंका का टूर था, उससे पहले हमारा बैंगलोर में कैंप लगा था, फिटनेस टेस्ट चल रहा था सारा का सारा और हमारे प्रैक्टिस मैच चल रहे थे, सहवाग 11 वर्सेस सचिन 11 और VVS लक्ष्मी 11 वर्सेस अनिल कुंबले 11। तो वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, वो हमेशा टीवी पे देखना उनको। तो जब हम श्रीलंका लैंड किए तो हमारा मैच था दम्बुला में, तो उसमें सचिन का उधर किट बैग, VVS लक्ष्मी उधर, धोनी भाई इधर, उसके बाद वीरू भाई उधर बैठे हुए, गौती भाई उधर, जहीर खान, आशीष नेहरा, UV पा, भज्जू पा, तो मत छोटा सा एकदम अच्छा वैसे बैठे, पाजी मेरे पास कोई उनके पास नहीं बैठता। अच्छा, तो सबने उसको बैठाया कि इसके रैगिंग करते हैं इसको। अच्छा। थोड़ा उधर भी पूछते हैं कि सचिन भाई ऐसी बात कर रहे हैं, हाँ भाई मैंने ऐसे करके बात करे तो कैसा लग रहा है? मैंने कहा अच्छा लग रहा है भाई, कैसे आप ठीक हो? तो एकदम थोड़ा वैसा था कि उनके जो किट बैग है उसमें साई बाबा की फोटो, 4 बैट उधर, तो मुझे लगा मैं सही जगह भगवान के पास बैठा हूँ तो यहाँ से नहीं हटूंगा। तो उसके बाद बातचीत होती रही, तो फिर हमारे इंडियन टीम में एक स्पीच होती है जब कोई लड़का नया आता है, तो उसमें सबने बोला कि स्पीच दो आपको कैसा लग रहा है। तो उस टाइम चेयर पे खड़े होके हम बात करते हैं कि मैं सुरेश रैना हूँ, आई डू बैटिंग बॉलिंग, जैसे उनको बताया। तो कुछ प्लेयर जैसे पंजाबी में बोल, अब हिंदी में बोल, अब इंग्लिश में बोल। अच्छा, तो आपकी रैगिंग यहाँ भी चल रही है? मतलब फनी में था सब, बहुत मजा आ रहा था उधर। तो ड्रेसिंग रूम शेयर करना उन लोगों के साथ, तो राहुल द्रविड़ उस टाइम कैप्टन थे। अच्छा। तो वो सामने इसको ऐसे देखते रहते हैं, वो ऑब्जर्व करते थे बिल्कुल हमेशा डिसिप्लिन क्या चल रहा है, फिर अपनी चीजों में लगे रहे। सचिन जो थे हमेशा सबसे बात करते थे कि ऐसे नहीं फैमिली में कौन है, मम्मी पापा दीदी सब लोग ठीक है। VVS लक्ष्मण हमेशा जोक्स क्रैक करते थे, स्लिप में आप खड़े हो तो कुछ माइंड ऑफ करने के लिए, जब बॉलर रेडी है तो आप फील्डिंग के लिए रेडी हो। तो उस टाइम धोनी भाई 2004 में खेले थे, मैं 2005 में खेला था, तो हम लोग की बॉन्डिंग वैसी। उस सारे के सारे लड़के जितने थे मैम सब गरीब घर से ही थे वो, तो उनका हमेशा सुना था ये बड़ा नाम है। उस टाइम राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम था, सचिन ये सब इतने बड़े बड़े नाम, वीरू भाई उस टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे सब लोग, तो एक फैमिली थी उधर सारी की सारी। तो उस टाइम मिलना उन लोगों से मतलब ड्रीम कम्स ट्रू। जब बैठा तो पूरी रात सो ही नहीं पाए, तो उन्होंने बोला कि हमारा टीम डिनर होता है मैच से पहले, तो कोच ने बोला चलो गेट टुगेदर करते हैं, मैं बड़ा मैच ऐसे करके। तो फिर सचिन उधर कुछ फिश खा रहे हैं या कुछ, हम दाल रोटी पता नहीं कहीं थी कि नहीं थी श्रीलंका जैसी जगह में, वहाँ पर आप मोर ऑफ सी फूड वैसे करके। तो मैं और धोनी भाई उधर बैठे, तो वीरू भाई ने बोला आज तो मंगलवार है, आज नॉनवेज कोई नहीं खाएगा। तो सचिन ने बोला मैं तो सब खाता हूँ ऐसे करके, मतलब छोटी छोटी चीजें सब। तो मुझे परेशान कर रहे थे वो कि इसको दाल रोटी नहीं देनी, इसको आज नॉनवेज खिलाना है। तो वैसे करके पूरा प्लानिंग करना, तो बहुत मज़ेदार थी वो चीज़ें वो। तो फिर उनके साथ रहा, चीज़ें सीखी, डिसिप्लिन सीखा, और सबसे अच्छी जो चीज़ सीखी मैंने फैमिली में कैसे खुश रहते हैं, कभी आपका खराब दिन है कभी आपका अच्छा दिन है फिर भी सब लोग हम्बल रहते थे वो। सुना है कि आप लोग जब मैच खेलते हैं तो आपके हर मैच के मूड के साथ आप लोग गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं? नहीं, सबका अलग रहता है वो, जैसे किसी को पंजाबी गाने अच्छे हैं, रफ़ी साहब के गाने पाजी सुनते हैं सचिन भाजी, वीरू भाई को किशोर दा के गाने अच्छे लगते हैं, और हम लोग की बेल्ट भी वैसे ही पुराने गाने सुन के अच्छे, और नए गाने भी अच्छे हैं सारी चीज़ें। तो कुछ तो सचिन ने जब आईपॉड लगाया अपना सचिन पाजी ने, तो वो कोई हटा नहीं सकता है वो। अच्छा। उनका एक फेवरेट सॉन्ग है वो, बप्पी दा का सुनते थे, याद आ रही है, बहुत पुराना गाना है वो, तो वो एक मोमेंटम बनता है सारा सारा वो। हाँ। सारे गाने वैसे सुनते रहे, फोकस जस्ट टू स्विच ऑफ की नहीं, आप एकदम प्रेशर रहता है टीम इंडिया को जिताना है वो रहता है, फिर आपको अपना बॉडी रिकवर करना है, फिर उसके बाद सोना है, तो बहुत सारा वो जो डिसिप्लिन है बहुत अलग है वो। जब आप पहली बार, जैसे आपने कहा कि आप खेलने गए फर्स्ट मैच और डक पे आउट, जी मतलब आप आउट हुए और आप वापस पवेलियन की तरफ चलने लगे, तो क्या चल रहा था दिमाग? अब तो मैं गया शायद फर्स्ट बॉल पर डक किया, तो राहुल भाई हम लोग, मैं, इरफान और धोनी में बैठे थे, तो इरफान ने बोला खाना क्यों नहीं खा रहा है? मैंने कहा नहीं मैं खाता हूँ। कह रहा नहीं फील्डिंग करनी है अभी, फील्डिंग तेरा वेपन है, तू 1-2 रन आउट करेगा हो जाएगा काम, ये तो क्रिकेट है, आज तू डक पे कल 100 बनाएगा। तो फिर राहुल भाई ने मुझे बोला कि जब जीत गए मैच तो सब ऐसे फिर भी सैड थे, पहला मैच मिला अभी आउट हो गए, तो राहुल ने बोला कि ये क्रिकेट है, बट तेरे पास 10 से 15 साल का कैलिबर है, अगर तू यहाँ से इस 0 को तू कन्वर्ट करेगा 100 में
मेहनत करेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो वो फिर हिट हो गया कि इतना बड़ा प्लेयर बोल रहा है तो मैं तो 15 साल खेलने ही वाला हूँ। तो फिर मोटिवेशन मिलता रहा, फिर सारे आपने बच्चे उस बात को कायम भी रखा और आप गॉड विलिंग यू विल डू मच मोर देन दैट। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। सपने सब देखते हैं पर उन्हें साकार करना और उन्हें जीना बहुत कम किस्मत वालों के नसीब में होता है। ऐसे ही किरदार और उनसे जुड़ी पन्नों को लेकर आऊंगी मैं मधुरिमा निगम अगले रविवार रात 9 बजे ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के और 92.7 बिग एफएम।